समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से। मैंने इतना दिया पर इसके बदले में मुझे क्या मिला, इसलिए अब कुछ करने का मन ही नहीं करता। आइए जानते हैं इस प्रश्न का समाधान। मैंने इतना दिया पर इसके बदले में मुझे क्या मिला, ऐसा विचार करने में उतावली न कीजिए। बादलों को देखिए, वे संसार पर जल बरसाते फिरते हैं, किसने उनके एहसान का बदला चुका दिया? बड़े बड़े भूमि खंडों का सिंचन करके उनमें हरियाली उपजाने वाली नदियों के परिश्रम की कीमत कौन देता है? हम पृथ्वी की छाती पर जन्म भर लदे रहते हैं और उसे मल मूत्र से गंदी करते रहते हैं, किसने इसका मुआवजा अदा किया है? वृक्षों से हम फल छाया लकड़ी पाते हैं, पर हम उन्हें क्या कीमत देते हैं? परोपकार स्वयं ही एक बदला है। त्याग कर आपको भले ही घाटे का सौदा प्रतीत होता हो, पर जब आप उपकार करने का स्वयं अनुभव करेंगे तो देखेंगे कि इस ईश्वरीय वरदान की तरह यह दिव्य गुण स्वयं ही कितना शांतिदायक है, हृदय को कितनी महानता प्रदान करता है। उपकारी जानता है कि मेरे कार्यों से जितना लाभ दूसरों को होता है उससे कई गुना स्वयं मेरा होता है। ज्ञानवान पुरुष जो कमाते हैं वह दूसरों को बांट देते हैं। वे सोचते हैं कि प्रकृति जब जीवन शरीर की बहुमूल्य वस्तु मुफ्त दे रही है तो हम अपनी फालतू चीजें दूसरों को देने में कंजूसी क्यों करें? आप बुरे दिनों में और विपत्ति की घड़ियों में भी परोपकार के दिव्य गुण का परित्याग मत कीजिए। त्याग करना, किसी की कुछ सहायता करना, उधार देने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। जो कुछ हम दूसरों को देते हैं हमारी संचित पूंजी की तरह जमा हो जाता है। आंतरिक उल्लास का विकास, पृष्ठ 16। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।